हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं द 100 क्रिकेट के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स वर्सेस सदर्न ब्रेव के बीच में, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 5 अगस्त को रात के 11 बजे से। और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पे आपको इस मुकाबले की फैंटेसी टीम मिलेगी। उसके अलावा द 100 क्रिकेट के बाकी मेंस मुकाबले, वुमेन्स मुकाबले, इंग्लैंड इंडिया के मुकाबले, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले, ये सारे के सारे मुकाबले कवर होते हैं टेलीग्राम पर। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। और आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको एक फ्री एंट्री मिलने वाली इस मुकाबले में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के लिए। साथ ही में आप यहां पे केवल सेकंड इनिंग्स फैंटेसी भी खेल सकते हो। अगर आप टॉस पे टीम बनाना भूल जाते हो तो आप केवल सेकंड इनिंग्स में टीम बना के विनिंग कर पाओगे। साथ ही में आपको 11 प्लेयर चुनने की जरूरत नहीं पड़ती फैन टू प्ले पे, केवल 2, 3 या 4 प्लेयर की टीम बनाकर भी आप विनिंग कर सकते हो। तो इतने सारे फीचर मिलते हैं फैन टू प्ले के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे बोनस कैश मिलेगा। तो डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैनचेस्टर के इस मैदान पे बल्लेबाजी करना उतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा है। पिच थोड़ी सी स्लो होने वाली है और स्पिनर्स को हेल्प मिलता है इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम के बारे में, जो कि अपने 4 में से 2 मुकाबले जीत चुका है। इस टीम में कुछ काफी बड़े नाम है T20 फॉर्मेट के, लेकिन फिलहाल ये टीम ने गेंदबाजी के ऊपर रिलाय कर रही है। इनके बॉलर्स काफी शानदार फॉर्म में रहे हैं। मैट पार्किंसन ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाले हैं और इस पिच के ऊपर उनको हेल्प भी मिलने वाला है। स्टीवन फिन भी काफी कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं, T20 ब्लास्ट में 19 विकेट निकाले। द 100 क्रिकेट के अंदर वो 4 विकेट निकाल चुके हैं। कार्लोस ब्रैथवेट ने T20 ब्लास्ट के अंदर 18 विकेट निकाले और उनको इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक कुल 3 विकेट मिल चुके हैं। साथ ही में ब्रैथवेट बल्लेबाजी भी काफी शानदार करते हैं और टॉम हार्टली की गेंदबाजी भी काफी शानदार रही है मैनचेस्टर की इस टीम के लिए। अगर मैं बात कर लेता हूं बल्लेबाजी के बारे में, तो जो क्लार्क ने काफी शानदार पारी खेली पिछले मुकाबले में, उनका T20 ब्लास्ट में 190 सुपर का स्ट्राइक रेट था। कॉलिन मनरो कुछ खास कर नहीं पा रहे इस टीम के लिए, एक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो PSL में काफी शानदार खेले थे, उम्मीद करते हैं फॉर्म में आ जाएंगे। और फिलिप सॉल्ट के रूप में एक और काफी अच्छा प्लेयर है इस टीम के पास में, बस उनको फॉर्म में आने की जरूरत है। तो मैनचेस्टर की टीम की बॉलिंग काफी शानदार है, अच्छे बैट्समैन भी है इस टीम के पास में, बस उनको फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं फिलिप सॉल्ट और जो क्लार्क, नंबर 3 पे कॉलिन मनरो, नंबर 4 पे कॉलिन एकरमैन, नंबर 5 के ऊपर टॉम लेमनबाय, नंबर 6 पे कार्लोस ब्रैथवेट, फिर केल्विन हैरिसन, टॉम हार्टली, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट पार्किंसन और स्टीवन फिन, तो जरूर से एक इंपॉर्टेंट मुकाबला मैनचेस्टर की टीम के लिए। अब मैं आपसे बात करता हूं सदर्न ब्रेव की टीम के बारे में। इस टीम को भी 4 में से 2 मुकाबलों के अंदर जीत मिली है और ये टीम भी उन्हें फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेगा। जेम्स विंस काफी तगड़ी बल्लेबाजी करे इस टीम के लिए, वो हाईएस्ट रन स्कोरर है इस टीम, तो जरूर से वो फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। डेवन कॉनवे अब तक अपने एबिलिटी के अनुसार तो नहीं खेल पाए, पर उन्होंने भी 97 रन मारे इस टीम के लिए, वो भी काफी डिसेंट बल्लेबाज है। एलेक्स डेविस ने काफी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी पिछले मुकाबले के अंदर, वो लैंकेशायर के लिए भी काफी डिसेंट खेले थे। हालांकि क्विंटन डीकॉक को फॉर्म में आने की जरूरत है, वो इंटरनेशनल काफी शानदार खेले थे, पर द 100 के अंदर वो कुछ खास कर नहीं पा रहे। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो जेक लिंटॉट ने काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले हैं, एक अच्छे स्पिनर है वो, इस मैदान पर उनको हेल्प मिलने वाली है। क्रिस जॉर्डन भी 3 विकेट निकाल चुके हैं इस टीम के लिए, वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे। उसके अलावा वो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जॉर्ज गार्टन को भी 3 विकेट मिल चुके हैं। जॉर्ज गार्टन भी काफी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर है, तो सदर्न ब्रेव के पास एक काफी बैलेंस टीम है, बल्लेबाजी के अंदर भी काफी अच्छे नाम है। उसके अलावा जो
जो इनके गेंदबाज हैं वो T20 ब्लास्ट में भी काफी शानदार खेले थे और यहाँ भी वो अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ सदर्न ब्रेव की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इनके लिए ओपन कर सकते हैं जेम्स विंसो, क्विंटन डीकॉक, नंबर 3 पे एलेक्स डेविस, नंबर 4 पे डेवन कॉनवे, नंबर 5 पे कॉलिन डी ग्रैंडहोम, नंबर 6 पे रॉस वाइटली, फिर क्रिस जॉर्डन, लियम डॉसन, जॉर्ज गार्टन, जेक लिंटॉट और टाइमल मिल्स। तो जरूर से एक काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला सदर्न ब्रेव के लिए भी। आप मुझे कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, वो टीम होगी सदर्न ब्रेव, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर। तो दोनों टीमें मुझे काफी बराबरी की लगती हैं और उम्मीद करते हैं काफी क्लोज मुकाबला होने वाला है। जिस भी टीम के गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे वो ये मुकाबला जीतेगी। इस मैदान पे गेंदबाज एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।